अब हमारा सेशन शुरू होता है, इंट्रोडक्टरी सेशन। इस बार तो कई सारे लोग इसमें शामिल हुए हैं, कम से कम 8-10 लोग नए इसमें शामिल हुए हैं वर्कशॉप में। तो शुरुआत करते हैं, किससे करें? ऋचा पहले ही बैठी हो, आ जाओ, कहीं से भी बोल दो। ये लो माइक, लो वहाँ बैठ के आराम से, मेरी आवाज तो वैसे ही वहां तक पहुंच जाएगी। उधर की तरफ देख के, मैं यहाँ अकेला हूँ। मैं कोसी कला मथुरा से हूँ और मैं पूछ रहा हूँ, एक में किसी ने मेरा ग्रेजुएशन किया था, मम्मी की कुछ फ्रेंड थी, तो ये भी पता था कि ध्यान कैसे करते हैं। बस भैया मेरे से एक बार खरीद हुआ हमने और एक वर्षा दी थी वाराणसी से, वो मिली थी, उन्होंने मेरे को बताया सूक्ष्म का ध्यान कैसे करते हैं, सहसा हृदय पे कैसे रहते हैं। बस बस इतने में ही काम हो गया, जो दिल करे बताओ। खाली इंट्रोडक्शन का मैटर नहीं है। रियलाइजेशन तो मिला था, पर वो कहते हैं ना, जैसे गाड़ी तभी चलती है जब हम उसे ड्राइव करें, तो कहते हैं एक गाड़ी है, एक तरह से मुझे ऐसा फील होता है। और हमारी चेतना और हमारी सोल और हमारा चित्त, वो हमें हृदय में ले जाके रखने हैं, तभी हमारी गाड़ी चलती है। और जैसे गूगल मैप में चलता है, तो उसमें तब तक हम गाड़ी आगे नहीं बढ़ेंगे, या फिर लोकेशन कनेक्ट करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, लोकेशन बंद करते ही वो वहीं रुक जाता है। तो लोकेशन है हमारे श्री माता जी, तो वो भी होना बहुत ज़रूरी है। तो भैया ने बताया और वर्षा जी ने बताया कि सहसा हृदय का ध्यान कैसे करते हैं, तब वो लोकेशन मिली सही तरीके से, नहीं तो हमें पता ही नहीं था कि कैसे करना है। और यही है कि मतलब धीरे धीरे वो चल रही है यात्रा, और श्री माता जी ने मुझे मौका पहली बार दिया है यहाँ पे आने का, और मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी स्मूथली यहाँ पहुँच जाऊँगी। मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर इतने विकार है कि मेरे को बहुत मुश्किल पड़ेगी यहाँ पर, और पता नहीं मैंने मतलब एनरोल तो कर लिया है, मैं वहाँ पहुँच पाऊँगी ही नहीं, ये मुझे फील हो रहा था। पर श्री माता जी की कृपा से बहुत आसानी से पहुँच गए और कोई तकलीफ नहीं हुई, वो भी श्री माता जी की कृपा थी। पर जब मैं आ रही थी रास्ते में, तो मैं ये फील कर रही थी कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, और मैं अकेली गाड़ी में थी, तो मुझे लगा कि मैं अकेली तो नहीं लग रही मेरे साथ, और मेरे साथ अभी बहुत सारे लोग बैठे हैं, ये फील हुआ था मुझे। हो गया, चलिए अब बराबर में शालू बहन बैठी हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि आपको देख पाए, आगे खिसका लो कुर्सी। जय श्री माता जी, मैं तो श्री माता जी से थोड़ा सा बहन पास रख के थोड़ा सा बोलिएगा, जिससे सुनाई दे जाए हमें भी। तो 2014 में मैं श्री माता जी से, और पास और पास कुछ कहना चाहते हैं, कोई संदेश सबको जो आपने अनुभव किया, कुछ बताना चाहें, शेयर करना चाहें।
पास माइक पास रख के बोलो। कुछ नहीं आ रहा। चलिए मंजू बहन थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि दिख जाए। हाँ मैं काफी साल से जुड़ी हूँ 2003 या 2004 से। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर इसमें कुछ 3 साल पहले ऐसी प्रॉब्लम आई कि सब कुछ मेरा बंद, मतलब जो ध्यान हो रहा था, जो मैं सोचती थी सब अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक सब बंद हो गया। मैं ध्यान में निकल रहा था, फिर वहाँ की जो प्रवचन थे उससे भी मैंने कि माँ ऐसा कहती है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों मेरे साथ गलत गलत हो रहा है। फिर अचानक मैंने ऐसे देखते देखते आपका कोई मैंने उनको वीडियो देखा, तो मुझे उसमें से उस प्रॉब्लम से निकलने का मुझे रास्ता ऐसा दिखने लगा। फिर मैंने इनको सुना, फिर थोड़े दिन बाद फिर नहीं ध्यान दिया मैंने। फिर मेरी फ्रेंड प्रतिभा दीदी है वो काफ़ी मेरा अच्छा अगर मैंने उनको बताया सर, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाना शुरू किया, तो मैं निकलने लगी उससे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ, आप कहाँ से जुड़े हो, मैं इस जो मेरी प्रॉब्लम है उसे मैं निकलना चाहती हूँ, मैं निकल नहीं पाई। तो फिर उन्होंने आपका कि इसमें तुम जुड़ो, तो मैंने कहा कैसे जुड़ोगे, फिर मैंने आपको फोन किया, आपने बोला कि सर आप सुनो। धीरे धीरे जब मैं सुनने लगी तो जो मेरी प्रॉब्लम थी उसमें मेरे हर मतलब हर सवाल का मुझे जवाब मिलता है, और मैं धीरे धीरे 50% में से तो निकल गई पूरी तरह से निकल गई। फिर मैं सुनती गई फिर मैं चुनती कभी कभी फ्रंट में तो नहीं आई, लेकिन मैं 9:30 होता था 10 बजे तक मैं सुनती थी। फिर उसको मैं जुम्मा लग पता नहीं था, फिर मैं यूट्यूब से 20 मिनट 10 मिनट ऐसा सुनती। फिर उसके बाद फिर जब ये आया तो फिर शुरू से मुझे हुआ कि मुझे एक बार आपसे मिलना है, बस पता नहीं था कि मुझे मिलना है, मेरा रास्ता कहाँ से निकल सकता है। तो फिर ये जब आया कि टैंक वाला शुरू हो गया, फिर मैंने आपको बोल दिया कि मैं आना चाहती हूँ, तो आपने बोला हाँ, उस करके मैंने ये फिर तो जब आपने हाँ बोल दिया तो मैं वापिस कहा हाँ मैं पहले निकलती नहीं हूँ कभी वापिस है। तो मैंने अपने हस्बैंड को मुझे यहाँ जाना है, तो कौन जा रहा है मैंने बताया, ठीक है। फिर मेरा शादी था, मैंने कहा मैं शादी में नहीं जाऊँगी, जाऊँगी तो मेरा माता जी का छूट जाए, हो सकता है छूट जाए, और मुझे बहुत मुश्किल से बस वहाँ पर आने का मौका मिला। फिर दो दिन रह गया तो मेरे पति बोले कि चलो साथ में, तो मैंने कहा साथ में उसे मैं चलूँगी जब मुझे वर्कशॉप में कहीं से मुझे जाना है, तो ठीक है तुम वहाँ से नहीं चले जाना, वहाँ से चले जाना वो है कि मैं हाँ। तो मुझे इस वर्कशॉप से सिर्फ यूट्यूब देखने से मुझे बहुत सारे मतलब वहाँ से निकलने की मुझे मार मिली, इसलिए मुझे यहाँ आने का मतलब बहुत था कि मैं आऊँ, और मैं आई और आपसे मिली। मेरे से मिल के क्या हुआ भला, मतलब जो भी है आपसे मिलना आपका यूट्यूब देखना तो क्या फ़ायदा हुआ, मेरे पास क्या है। फायदा ये हुआ कि मेरा जो चित्त बिखर गया था ये सब वर्कशॉप देखने से मुझे थोड़ा मजबूती मिली, माता जी इससे जुड़ने का जो मेरे छूट गया वो मेरा बहुत अच्छे से मेरा मजबूती मिली, मुझे जुड़ने के लिए वापस वो मैं छूट गई थी, ये मुझे यूँ कही है ना श्री माता जी से कनेक्शन अच्छा लगा। मेरे से मिलने के क्या मिलने वाला है किसी को, आप ही है ना वापस लाने के लिए, क्योंकि वो जब छूट जाता है और मुझे छोड़ना भी नहीं था शायद, मुझे छोड़ना भी नहीं था शायद, और मुझे अपने लिए भी नहीं, मैं हर किसी के बारे में सोचती थी कि ये चीज़ बुरी है तो मां नहीं होना चाहिए। मेरा एक लक्ष और हमेशा रहता है मेरे अंदर कि जो बुरा हो रहा है मैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरे अंदर हमेशा रहता है। चलो अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन मैं दूसरों के लिए भी सोचती थी ये चीज़ गलत है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अकेले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, यही करती हूँ। बढ़िया। चलिए ये बता दीजिए अब आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है, मतलब अच्छे की डेफिनेशन तो बताओ। तो वहाँ चाय था तो मैंने अपने बेटे को बोला कि चलो चाय लेते हैं,
वहाँ हरे के चाहिए और वहाँ पीते ही मेरी कुंडली में सहस्रार एकदम से गोल गोल हो गई, तो मुझे बहुत ऐसा महसूस हुआ कि हाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, ये मुझे तुरंत चलिए बढ़िया। अब ये माइक बढ़ा दीजिए मीनाक्षी के पास। सबसे पहले जो न्यू कमर्स हैं आज जो पहली बार आए हैं उनके लिए है बातचीत। मीनाक्षी गुप्ता। जय श्री माता जी सबको। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं गाजियाबाद से अभी सहज में 2020 से जुड़ी हूँ, लेकिन मेरी चेतना बचपन से ही परमात्मा को खोजती थी और कुछ ऐसा हुआ कि अलग, पहले मुझे लगता था कि मैं सेल्फिश हूँ बहुत, क्योंकि मैं अपने बारे में अपना ध्यान बहुत करती थी और मतलब मेरे को कुछ चाहिए था जो मिसिंग था, तो वो मैं हमेशा ढूंढती रहती थी, कभी मंदिरों में, कभी लेक्चर्स में जब सतगुरु के और जो भी आते हैं टीवी पे, फिर धीरे धीरे मेरी दादी ब्रह्मा कुमारी से जाते थे तो मैं वहाँ पे बचपन से पढ़ा मैंने लिटरेचर को, और जो हम अभी जिस स्टेज की बात मतलब फील करते हैं वो चीज़ मेंटली बचपन से होती है माइंड के अंदर कि हम आत्मा हैं और परमात्मा से मिलना मिलके हमें इस धरती को बदलना है, जैसे कि भैया ने आज शुरुआत की थी, यही पर्पस मेरा शायद बहुत बचपन से यही पर्पस चल रहा है कि इस धरती को स्वर्ग बनाना है हमें, वो भी यही बात करते हैं बट वो मेंटली था और ये फीलिंग के साथ है, यही डिफरेंस है। तो मैं वहाँ पे फॉलो कर रही थी रेगुलर, बट कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी आई जिससे कि और लोगों को भी प्रॉब्लम्स होने लगी, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि ये फॉलो करती है, लाइक मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो बच्चे सब सही थे लेकिन घर की तरफ से रेजिस्टेंस आ रहा था कि ये ब्रह्मा कुमारी से घर खराब कर देते हैं, ऐसे ऐसे हो रहा था, तो मैं फिर मैंने बंद कर दिया वो। एक दिन श्री माता जी मुझे यूट्यूब पे दिखाई दी और मुझे बहुत अट्रैक्शन हुआ और मैंने फिर श्री माता जी को स्पीच सुनते सुनते 6 महीने तक बिना वाइब्रेशन के भी मैं सिर्फ माँ की स्पीच सुनती थी और एब्जॉर्ब करती थी, जैसे कि कोई भूखा मतलब भोजन खा रहा, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं इस चीज़ के लिए कब से तड़प रही थी और मतलब माँ मुझे भर गई अंदर से भर गई और उसके बाद तो बस फिर चमत्कार शुरू हो गए। चमत्कार इन द सेंस कि जैसे अभी भैया जो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं हार्ट का और सहस्रार का, ये मुझे स्टार्टिंग में 6 महीने के बाद होने लग गया था कि मैं शून्यता में जा रही थी और हार्ट में सिंक हो रहा था, वैक्यूम बन रहा था, फिर मैंने सहज से पूछा तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे ऊपर कोई टेंशन डालता है तब ऐसा होता है, तो माँ के सामने बैठी रहती थी फिर वो ठीक हो जाता था, फिर मतलब फिर थोड़ा सा दूसरी चीज़ों में चली गई मतलब सहज ही, क्योंकि माँ ने वो दिखाना था मुझे कि ये सब भी होता है सहज में, वो दिखाया 1 साल तक और उसके बाद पैरेलली मैं कृपा भैया की पोस्ट पढ़ती थी तो मुझे पहले ठंडा नहीं आता था, पोस्ट पढ़ते हुए ठंडा आता था, तो मुझे लगा इसमें कुछ है पोस्ट में, और फिर जब कसौली वाला वीडियो मैंने शायद फर्स्ट वीडियो देखा था पिछले साल और उसे देख के डिज़ायर हुई कि माँ मुझे भी ऐसे ही जाना है वर्कशॉप में, अंदर से भी डिज़ायर हुई कि क्या कभी मैं जा पाऊँगी और आज माँ ने मेरी डिज़ायर पूरी कर दी है। थैंक यू श्री माता जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और जिस तरीके से माँ आज मुझे यहाँ लेके आई है ना, वो मतलब वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जो वो अब मेरिकल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हम माँ को समझ रहे हैं मान रहे हैं तो वो कोई मेरिकल नहीं है। हमें बिल्कुल ऐसे लगता है जो हम अभी बातें कर रहे थे कि सहज ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, एक्चुअली अभी हमने माँ को जाना है माना नहीं है, जानने और मानने में बहुत फ़र्क होता है, तो
तो हम माँ को जानते हैं कि वो आदिशक्ति है, पर मानते नहीं हैं। और जिस दिन हम ये मान जाएंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, इस दुनिया को बदलना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे भैया ने बोला कि हम दीपक से दीपक जला सकते हैं, एनर्जी फील्ड माँ अपने आप करवा लेंगे सब कुछ, बस हमें उन पर विश्वास रखना है और कुछ नहीं करना। थैंक यू श्रीमती जी। बढ़िया, अब हमारी विन्नी बहन बराबर में बैठी हैं। मैं विन्नी शर्मा लुधियाना से, बेसिकली जम्मू से, रिलेशन जम्मू से ली थी मैंने 2007-08 की बात है मुझे ध्यान में। फिर इनकी ट्रांसफर लुधियाना हो गई, फर्स्ट टाइम मैंने लुधियाना सेंटर से स्टार्ट किया था। पर जब से श्रीमाता जी के श्री चरणों में जुड़ी हूँ तब से माँ के अलावा क्योंकि किसी और की बात सुनी नहीं। जो लेक्चर्स पहले सुनते थे माँ के, जो सुबह जाता था जितना, जैसे अगर सेंटर जाना तो मन से जाते थे कि नहीं पूजा है जाना है, श्रीमाता जी का वहाँ जो भी वर्क काम होता था, जो भी सजावट करना, हर चीज़ में शुरू से ही हिस्सा लेने की आदत थी कि नहीं जाना है, मन से करते थे। लेकिन ये सब करके ना पता नहीं कुछ ऐसी मतलब कि कुछ अच्छा भी फील होता था। जैसे किया तो है, ध्यान भी किया है, सब कुछ किया है, सेंटर भी किए हैं, लेकिन लगता था कि नहीं पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों ऐसे कुछ समझ नहीं आ रही है। शिव माता जी तो कहते हैं कि नहीं इस तरह से आपको करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, अगर किससे पूछो तो वो तो कुछ बताते नहीं हैं। तो सेंटर में जाओ तो रेगुलर जैसे रोज हर संडे जो पूजा होती है बस वो होती है, बैठो लास्ट में गप्पे मारो और आ जाओ घर वापस। गप्पे मारो यही होता है, लास्ट में गप्पे मारो और घर वापस आ जाओ। फिर सालों साल ऐसे ही चलता है। इवन हंटर्स में तो काफ़ी देर से जुड़ी हूँ मैं 2014 से, तो वो भी देखती थी। जब भैया ऑडियो भेजते थे, जब जूम सेशन नहीं था या वीडियो नहीं थे, ऑडियो जो भेजते थे उसके साथ भी ध्यान करती थी मैं। फिर बीच में कुछ छूट गया, 3-4 साल कुछ ऐसा हुआ कि शायद जो मैंने व्हाट्सएप जाना जो भी है ये बहुत कम देखती थी, तो पता ही नहीं चला कि जूम सेशन भी चलते हैं। फिर इनकी ट्रांसफर जम्मू हुई, वहाँ जम्मू गए, जम्मू से दोबारा वापस अब लुधियाना आए, लुधियाना द्वारा ट्रांसफर हो गए। यहाँ आए जब फिर मैंने रमनी दीदी के पास जाना शुरू किया। रमनी दीदी से तो शुरू से ही दिल से, जैसे कहते हैं कि जैसे शिव माता जी के सारे बच्चे एक दूसरे से दिल से जुड़े होते हैं वैसे जुड़े हैं। तो जैसे आए तो दीदी के पास जाना शुरू किया। फिर मैंने यूट्यूब पे ये सेशन देखे, सेशन देखे तो फिर दीदी से बात की। दीदी ने भैया को बोला तो भैया ने मुझे वो 136 जो भी गुण है वर्कशॉप के वो भेजे, वो देखना स्टार्ट किया। लेकिन एक बात वो कहूँगी कि जैसे भैया ने बोला कि रोज का एक सेशन मतलब देखते हैं, लेकिन मैं शायद रोज के 3-4 सेशन देखती थी। वो इसलिए देख पाती थी क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड घर में अकेले ही हैं, बच्चे बाहर पढ़ने चले हैं और पूरा दिन अकेली होती थी। तो पूरा दिन यही होता था कि एक लगा दिया, एक खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हो गया, उसके साथ साथ काम भी चलता रहता और सामने सुनते भी रहना। 3-4 इकट्ठे मैंने सुने हैं। तो साथ साथ में फिर जूम सेशन में जब भैया ने ऐड किया तो उसमें ऐसे लगता था कि नहीं अब हो सकता है कि कुछ मिलेगा हमें, कुछ जो हम चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं अपने अंदर, जो चीज़ ढूंढते हैं वो मिल जाएगी। लेकिन वो वाकई में मिली, इतना परिवर्तन आया अपने अंदर। ये जब से जूम सेशन देखती हूँ, जब से सेशन में मैं खुद ऐड हुई हूँ, तब से इतना ज़्यादा परिवर्तन आया है कि अब किसी चीज़ की कोई, जैसे आप कहते हैं ना कि कोई कुछ रहा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं है, खाली है, सब चीज़ खत्म हो गई है और वही है
कि जो माँ ने कहा था कि मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए, शायद ऐसा बनने के लिए हम लोग चल पड़े। बस ये कहना चाहते हैं। बहुत सुंदर बहन, आपने बहुत अच्छा बताया, हो गया। चलिए अब हमारा नंबर आता है पूजा। जय श्री जी, मेरा नाम पूजा है और मैं मिनेसोटा यूएसए आई हूँ। पूजा एक मिनट, थोड़ी आवाज़ वॉल्यूम कम है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना। मेरा वॉल्यूम बढ़ा। हाँ हाँ, तो 2019 से एक मिनट, मैं सुन नहीं पाया था आपने क्या बोला, इसलिए पूछा मैंने, दोबारा रिपीट करना। अच्छा, मेरा नाम पूजा है और मैं मिनेसोटा यूएसए से आई हूँ। तो 2019 शुरू किया था वीडियोस और 2020 में भैया से बात हुआ और ज्वाइन किया, पूरा देख से आती है। तब से वर्कशॉप वीडियोस देखी थी, अभी चांस मिला है। जब वर्कशॉप के लिए ज्वाइन करना था तो मेरा सेकंड का रिटर्न था, तो मैं सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड को अगर बताऊंगी पोस्टपोन करने के लिए क्या होगा, तो मैं ऐसे बता के रखी थी। तो जब उस वो हमारा वर्कशॉप सब फॉलो नहीं करते बट सर्च करते हैं, तो जब वो एक मेडिटेशन में उसने कहा कि हाँ मुझे ऐसा लगता है तुम्हें जाना चाहिए, मेरे वाइब्रेशन आ रहा है तो तू जा, तो ऐसे पोस्टपोन कर दिया मैंने वो वाला हुआ। और मैं इतना एक्साइटेड थी कि वर्कशॉप जा कर डर हो गया है मेरा, बट मुझे थोड़ी ना मालूम था कि वर्कशॉप के साथ कोर्स होता है और एक महीने से चल ही रहा है, रोज रोज कुछ ना कुछ, लाइक रोज एक हाई पॉइंट होता है और एक लो पॉइंट होता है। इतना बड़ा ही हो रहा है कि इतने 3 साल से जो नहीं हुआ शायद अभी हो रहा है। तो बहुत कुछ सीखा अभी, तो एक महीने में कितना सीखा बता नहीं सकती शायद। मैंने इंट्रोडक्शन जब ज्वाइन किया था तब आपने पूछा था कि पहले सेशन में कैसा लगा, तो मैंने कहा था भैया इतना वाइब्रेशन है, मैं ऐसे संस्कार को पकड़ के रखती हूँ, पता नहीं मैं मेरा क्या होने वाला। अभी ऐसा लग रहा है कि ऐसे कंडीशंस हो रहा है कि सोसाइटी का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स के कंडीशनिंग आ रहे हैं, पता नहीं मेरा शिफ्ट रहेगा टूटेगा क्या होगा, पार होगा कि नहीं देखते हैं। और बस और एक जब फ्लाइट पकड़ी मैं इधर आने के लिए, एक बार बाहर देखा तो ऐसा लगा कि वो जो फ्लाइट है वो मेरी स्पिरिट है या मैं हूँ, लाइक इतना मैजेस्टिक लग रहा था। और जो ऊपर जा रहा था उड़ान, जैसे मेरा ऐसा लगा कि मेरा अवेयरनेस ऊपर उड़ रहा है, लाइक क्लाउड्स के ऊपर जा रहा था। तो इतना सुंदर अनुभव हुआ, तो मैंने सोचा अच्छा कुछ अच्छा हो सकता है, मैं उस एक्सपीरियंस को पकड़ने वाली कि होगा लाइक बाई दी एंड ऑफ द वर्कशॉप ठीक कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा है अभी तक। बस इतना ही बहुत कुछ सीखा मैंने, लाइक इस दौरान कौन से कंडीशन हुए कि मुझे ना पहले ऐसे ह्यूमन चीज़ें बहुत डिस्गस्टिंग लगती थी, बाथरूम जाना यहाँ वो सब पता नहीं मैं बोल सकती हूँ वो सब यहाँ पर, बस मैं अगर कोई टॉयलेट अच्छा नहीं है तो मैं नहीं जाती कहीं, ऐसा सब आजकल वो सब कंडीशन टूट रहा है, लाइक वो सब गया। और मेरे बॉडी के बारे में भी आई वुड बी लाइक अच्छा ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, मैं हमेशा खुद के बारे में नहीं सोचती थी लाइक ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, अभी अभी थोड़ी थोड़ी लाइक प्यार करने लगी हूँ, लाइक हाँ ठीक है अच्छा है ये सब। तो ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ आ ही रहा है, जब मैं किसी और को बता भी नहीं सकती कि किसी के साथ मैं डिस्कस भी करूँ तो लोग सोचेंगे लाइक क्या
मैं मेरी बहन को भी बोलती थी कि सोच की जेंडर होता है क्या, लाइक यहाँ मैं हाँ कभी नहीं सोची कि मैं लड़की हूँ, लाइक कभी नहीं सोची कि मैं लड़का ही हूँ या लड़की हूँ, लाइक ऐसे सब सोचा नहीं था। और मैं बोलती नहीं, लड़की जैसा होना चाहिए, ये सब करना चाहिए। तो उस जो मैं नहीं सोचती थी, अभी ऐसा पता नहीं, अभी क्वेश्चन ही आएगा। चार पाँच दिन से तो उससे पहले तो हल आ रहा था, चार पाँच दिन से तो मेरा जर्नल शुरू किया था, उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही है, उसमें आंसर नहीं आया। तो मैं सोच रही हूँ वर्कशॉप में मिल जाएगा ऐसे सब क्वेश्चन के आंसर, किसको मैं पूछूँ। और मैं जब सोचती हूँ कोई, तो मैं ऐसे जीवन जी रही थी जहाँ लड़की होना चाहिए, बट कभी उसके बारे में लड़के से लोग बोलते हैं लड़की ऐसा होना चाहिए, श्रृंगार करनी चाहिए, ये वो सब पता नहीं, कभी कभी करती हूँ बट उतना नहीं होता। तो अभी ऐसा लगता है कि जैसे पहले जेंडर की एसोसिएशन नहीं थी, अभी ऐसा लगता है कि उसके बारे में शायद बैलेंस हो रहा है, तो मैं ना चाहिए पता नहीं हुई हमें, शायद ऑफ टॉपिक क्या है जो भी है मजा आ रहा है, लेकिन बताती रहो। और आपकी बातों में बहुत कुछ तंत्र है, बताते रहो। कि अभी अब तक ऐसे जेंडर नहीं था, अभी ऐसे लग रहा है कि अभी ऐसे कर रहा है कि मैं लड़की बनूं। नहीं 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 नहीं, बोलो बोलो, कीप ऑन। पता है तुम कितना बड़ा मैसेज दे रही हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है, बोलते रहो। वॉट एवर इज कमिंग, इट इज कमिंग आउट ऑफ इनोसेंस, यू नो। आने दो, रोको मत। और आप जैसा सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए भी बड़ा सॉल्यूशन होगा ये, बोलो। बट सॉल्यूशन ही नहीं है, वही अपना क्वेश्चन ही है। सॉल्यूशन हमेशा क्वेश्चन के बाद आता है, ये क्वेश्चन पुटअप हो रहा है ना, तो सॉल्यूशन भी आएगा। सो यू आर रेजिंग द क्वेश्चन। मैं सोचती हूँ भैया को पूछ लूँ, लाइक तो पूछने के लिए दम नहीं है, तो हर सर मुझे भैया देखो भैया मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, बट इतना कैपेसिटी भी नहीं आंसर सुनने के लिए। उस जब मैंने ऐसे सोचा
देखो ऐसा है, अभी आपने कहा कि मैं फील कर रही हूँ, नाउ आई एम ट्राइंग टू बिकम अ गर्ल, व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू, यू नो, जो नॉर्मलेसी है जो होना चाहिए दैट इज कमिंग बिफोर यू, वो सरफेस पे आ रहा है आपके, किसी भी कारण से आप उस फ्लो से, नेचुरल फ्लो से हट गए, तो वो वापस रिटेन हो रहा है, वापस आ रहा है वो, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। और चूंकि ये एस्पेक्ट आपको फील करना है, अगर इस एस्पेक्ट के बगैर, इसे फील करे बगैर आपकी मृत्यु हो जाती है, फिर आओगे ये फील करने तो ठीक है, अभी हो जाए। और इसलिए उन्होंने, शिमाताई ने व्यवस्था की कि जो चीज़ ऐसी, जो मिसिंग फैक्टर है हमारे जीवन में, वो आप उसे जी पाओ इसी जीवन के अंदर, क्योंकि अगला जीवन जीना नहीं है, ज़रूरत नहीं है उसकी, रिडेम्पशन मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी इसी जीवन काल में। और कैसे मुक्ति मिलेगी, कोई कहे मुक्ति कैसे मिलेगी भाई, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने आप को देखो कि पहले किस चीज़ में हम फंसे हैं और आज फंसे हुए नहीं हैं, तो एक एश्योरेंस मिला कि पहले फंसे थे आज फंसे नहीं हैं, तो उनसे मुक्त हुए। तो मुक्ति जो है ओवरनाइट नहीं होती, इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ सो मैनी थिंग्स, इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, रिडेम्पशन इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, यू नो, वो ऐसा नहीं कि बस आज आँख बंद करके ध्यान में बैठे और आँख खुली तो मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है, आपको धीरे धीरे सरफेस पे आएगा। अब ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं, ये सरफेस पे आ रही हैं, आपके माइंड के सरफेस पे आ रही हैं, और माइंड के साथ में आपका अटेंशन जुड़ रहा है, इसको एक्नॉलेज कर रहा है, आपकी अवेयरनेस उसको समझ रही है, और फिर आप ये समझ रहे हो अच्छा ये वाली चीज़ ऐसे है, ये वाली चीज़ ऐसे है, तो इट इज़ ए वेरी गुड साइन, गड़बड़ नहीं है ये, सो बी श्योर दिस इज़ नॉट गड़बड़, और इस चीज़ को एंजॉय करो जो भी आ रहा है जीवन में। देखो डाउट कहाँ से आता है, डाउट हमेशा मेमोरी से आता है, माइंड से आता है, जो आपकी मेमोरी में सेव नहीं है, जो चीज़ आपके सामने आ रही है वो आपकी मेमोरी से टैली नहीं हो रही, जब ये टैली नहीं होती है तो डाउट आता है। पर जो आज वर्तमान में आ रहा है वो जरूरी थोड़ी है कि पीछे आना चाहिए था उसको, वो तो आज आना था ना, आज आना था, मेमोरी में पास्ट की चीज़ है, तो प्रेजेंट की चीज़ पास्ट से मैच नहीं कर रही तो डाउट को जन्म दे रही है, तो इसका मतलब डाउट गलत है ना, क्योंकि माइंड की एक कैपेसिटी है, माइंड की एक लिमिटेशन है कि प्रेजेंट वाली चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करता, यही प्रॉब्लम है सबकी, कि जो पीछे वाली चीज़ें पड़ी हुई हैं उसी के आधार पे हम जीवन जीना चाहते हैं, और जो कोई नई चीज़ आती है हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, जो हमारे ही फायदे के लिए होती हैं, हमारे ही बेनिवलेंस के लिए हैं, पर हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बिकॉज ऑफ द फाइल्स ऑफ योर मेमोरीज इन टू योर माइंड। तो इसलिए डाउट जब भी आए तो इमीजिएटली अपने आप को काउंसलिंग दो, अरे अरे ये तो बेकार चीज़ है, डाउट का मतलब आउटडेटेड, छोड़ो उसे डाउट को, एक्सेप्ट करो जो सामने चीज़ आ रही है, तो डाउट का कोई प्रश्न नहीं उठता। गिरना क्या होता है? हाँ? गिरना क्या होता है? गिरना डर है कि अच्छा डाउट होता है कि अच्छा मैं गिरना चाहूँगा असेंट से, तो गिरना, गिरने का डर क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने पढ़ा है, सुना है, शिमाताई के लेक्चर सुने हैं, अरे गिर मत जाना, अब वो आपकी मेमोरी में सेव हो गई बात शिमाता जी की, पर वर्तमान में जो चीज़ आ रही है वो चीज़ जो है आपकी पास्ट वाली मेमोरी से मैच नहीं कर रही, अब डाउट आ रहा है, इससे डर पैदा हो रहा है कि गिर ना जाऊं कहीं, जबकि ये भ्रम है, जो आज आ रहा है वही तो सत्य है, जो कल आया था वो भी सत्य था, जो आज आ रहा है वो भी सत्य है, तो भ्रम वाली और डर वाली तो कोई बात ही नहीं है। जैसे कि
पहले जो श्री माता जी ने कार्यक्रम रखा 9th वर्कशॉप वो कसोल में रखा तो वो भी सत्य था, आज रखा ऋषिकेश में ये भी सत्य है। तो हम कहें कसोल जैसा यहाँ नहीं हो रहा तो एक भ्रम है, होगा भी क्यों कसोल जैसा, वहाँ वैसे हुआ यहाँ ऐसे हो रहा है। और जो दोनों जगह हुआ वो वाराणसी में नहीं हुआ, जो वाराणसी में हुआ वो देहरादून में नहीं हुआ, जो देहरादून में हुआ नहीं हुआ वो हरिद्वार में नहीं हुआ, जो हरिद्वार में हुआ वो डलहौजी में नहीं हुआ। तो कहाँ ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, पर हम एक चीज़ के आधार पे सोचने बैठ जाएं और ये वैसा हुआ था आगे भी ऐसी हो जाएगा तो ये एक इल्यूशन है, भ्रम है ये। और इससे डर आता है, जब भ्रम आएगा तो डर भी आएगा। भ्रम का मतलब भय और भय का मतलब भ्रम। अब जब आप भयभीत होते हो तो भ्रमित होते हो, जब भ्रमित होते हो तो और भयभीत हो जाते हो। तो वो किस लिए होते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो आ रहा है हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम उस चीज़ को मैच कराना चाहते हैं हमारे अपने डेटा से जो माइंड के अंदर पड़ा हुआ है। और वो सबसे बड़ी एक रॉन्ग अप्रोच है हमारी, क्यों हमें डेटा को मैच कराने की ज़रूरत है, वाई, क्या नीड है भला इसकी। क्लियर हो गया पॉइंट पूजा? तो अब बताओ, अब डर लग रहा है? पहले भी सोल्यूशन था कि अच्छा मैं नरक में भी चली जाऊँ तो वहाँ पे भी सीख सकती हूँ, एक्स्ट्रा क्लासेस ही होगा, तब तो समझ ही आ ही जाएगा। तो वो सोल्यूशन था, बट फिर भी लाइक अरे एक्स्ट्रा क्लासेस कौन पर मैं आपकी जो स्पिरिट है उसको अप्रिशिएट करूँगा, इतनी दूर से आप आए हो, केवल 2 दिन के वर्कशॉप के लिए आप यहाँ आए हो मिनीसोटा यूएसए से, और फिर वहाँ से बेंगलोर, बेंगलोर से हरिद्वार, हरिद्वार से यहाँ, रियली नाउ इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर इनोसेंस, तभी तो मैंने बोला बोलते रहो। अरे मम्मी पापा को मिलना था या आना था, दोनों को क्लब कर दिया ताकि पापा मम्मी को ये ना लगे कि खाली अच्छा वर्कशॉप के लिए आ रही है, मेरे से मिलने नहीं आ रही। हाँ यही है असली बात। और मैंने कहा पापा मम्मी आपसे मिलना था, इस चक्कर में हम यहाँ भी आ रहे हैं थोड़े दिन के लिए। बट मेरा दोस्त कितना समझ था कि मम्मी पापा को मिली वो बस बातें करते रहे, मैं तो कहीं खो ही गई थी। चलो अब कोई क्वेश्चन है तो बताओ, देखें आप में से कितने सारे लोग आंसर दे सकते हैं। बोलो बोलो, कोई क्वेश्चन हो तो क्या दिक्कत है। आपने बताया कि हाँ बोलो बोलो, क्या बोला पूजा? हाँ? क्या बोला तुमने, कि दोबारा बोलो धीरे धीरे। वही तो मैंने बोला था अभी, जो डेटा है प्रेजेंट में जो फील हो रहा है वो डेटा से मैच नहीं कर रहा, तो डाउट आ रहा है। तो इसलिए हमें प्रेजेंट को रिस्पेक्ट करना है, व्हाटएवर इज कमिंग बिफोर अस टुडे वी शुड रिस्पेक्ट दैट, वी शुड ऑनर दैट एंड वी शुड अडॉप्ट दैट, बिकॉज जो आ रहा है वो हमारे आज के लिए है तो हमें उसे अपनाना है।
जो डेटा है उसके आधार पे उसे हमें रिजेक्ट नहीं करना है। 99.9% लोग रिजेक्ट करते हैं और दुखी रहते हैं, समझ में आ रही है? 99.9% लोग माइंड के डेटा के चक्कर में प्रेजेंट की चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं और दुखी रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान हमारी किस्मत ऐसी है। भगवान मुस्कुराते हैं, तेरी किस्मत बदलने के लिए नई नई चीज़ें मैं भेजता हूँ तो मना कर देता है, तो एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो मैं कैसे तेरी जीवन बदलूँ? भगवान को ये समस्या होती है। तो मनुष्य ही बड़ा अजीब है, पहले तो मांगता है फिर रोता है, जब मैं देता हूँ तो उसे मना कर देता है। क्यों पूजा है ना, बात सही। अब एस्ट्रोलॉजी जिसने भी साइंस निकाल दी, ठीक, क्या वो 100% है? बताओ, एस्ट्रोलॉजी 100% है प्रेडिक्शन उसकी? कोई कहे नहीं 99% ठीक है, मैं कहूँगा हाँ ठीक है 99% ठीक है, पर व्हाट अबाउट 1%? वो तो गड़बड़ है ना, तो इसका मतलब गड़बड़ होने की पूरी चांसेस होते हैं ना, तो हम क्यों टेंशन लें इस चीज़ के लिए? हम सारी चीज़ों को एक तरफ कर देते हैं, हम कहते हैं वर्तमान में क्या आ रहा है हम उसको फॉलो करते हैं। हमें क्या ज़रूरत है सोचने की एस्ट्रोलॉजी ने क्या कहा, उसने ये क्या कहा, न्यूमरोलॉजी ने ये क्या कहा, है ना, साइंस क्या कहते हैं, ज़ोडियक साइंस क्या कहते हैं। ओवरऑल किसी ने तो इसकी स्टडी की है ना, जिसने इसकी स्टडी की है क्या वो परफेक्ट था, क्या वो कौन था 100% परफेक्ट था वो जिसने साइंस की स्टडी की, था या नहीं था? कोई मनुष्य परफेक्ट है नहीं, है ना। मनुष्य के साथ एक चीज जुड़ी हुई आ गई, इम्परफेक्शन। मनुष्य का मतलब क्या है? मनुष्य का मतलब है एक ऐसा अस्तित्व जिसकी यात्रा इम्परफेक्शन से परफेक्शन की तरफ की यात्रा है, उसे हम मनुष्य कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ योर अवेयरनेस। दो प्रकार की इवोल्यूशन है, एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है जो हम अमीबा से ह्यूमन बने, और दूसरा इवोल्यूशन है हमारी अवेयरनेस का इवोल्यूशन, नॉर्मल अवेयरनेस से सुपर अवेयरनेस की तरफ की यात्रा, सुप्रीम की तरफ की यात्रा। तो यहाँ इवॉल्व हो रही है अवेयरनेस, हो रही है ना। तो जब ये अवेयरनेस में इवॉल्व होने की प्रोबेबिलिटीज़ छुपी हुई हैं, तो कौन सी साइंस ऐसी है जो अवेयरनेस को फिक्स कर देगी, अवेयरनेस को इवॉल्व होने से रोक सकती है कोई साइंस? कोई है ऐसी दुनिया में ऐसी साइंस जो आपको रोक दे इवॉल्व होने से, या प्रिडिक्शन कर सकती है कोई साइंस कि इतना इवॉल्व होगा ये? कौन ऐसा ज्योतिष है जो ये गारंटी ले ले इवॉल्व होने की प्रिडिक्शन कर दे तो मैं उसकी पूरी ज़िंदगी गुलामी करूँगा? बताओ, बड़े बड़े ज्योतिष थे, किसी ने बताया था कि 2020 में ऐसा टाइम आएगा कि धरती रुक जाएगी सारी गतिविधियाँ? था कोई ज्योतिष ऐसा इतना दुनिया में, किसी ने बताया था कभी ऐसा? सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाली बात तो ये प्रूव हो चुकी कि ज्योतिष के पास ज्ञान नहीं है इस लेवल का। अगर उसे होता तो बता देता 2020 में ऐसा होगा कि धरती की गति रुक जाएगी, नहीं बता पाया ना कोई। तो हम उस पर रिलाई कैसे कर सकते हैं जिसकी बहुत ही लिमिटेशन है? और जब हम उस पर रिलाई करते हैं तो हम उन पॉइंट्स पे फिक्स हो जाते हैं और हम आगे बढ़ना बंद कर देते हैं कि ज्योतिष ने ऐसा कह दिया मैं तो अब ऐसे ही हूँ, तो हम तो बढ़ना बंद हो गए। अवेयरनेस का इवॉल्व होना केवल मनुष्य ही रोकता है, इवन अन्य प्राणी, जितने अन्य प्राणी हैं मनुष्य के अलावा आपको पता है वो कभी ब्लॉक नहीं करते अपनी अवेयरनेस को। यू नो, आप किसी जंगल से एक जानवर को उठा लाओ, वो आपके साथ रहते रहते इतना इवॉल्व हो जाएगा वो सारी चीज़ समझने लगेगा आपकी। लेकिन मनुष्य क्या करेगा? नहीं नहीं, नहीं ज्योतिष ने कह दिया था मैं ऐसा ही हूँ, वो इवॉल्व होना वहीं बंद कर देगा। आपको एक बात पता है, मेरे फ्रेंड ने बताया था कि अब वैष्णो देवी पे जो बंदर हैं वो इतने इवॉल्व हो चुके कि वैष्णो देवी पे आप जाएंगे तो आपका
पाँव पकड़ लेंगे, वो पाँव पकड़ लेंगे, तो आप सोचोगे भी कुछ खाने का सामान मांग रहा है, तो आप उसे केला दोगे नहीं लेंगे, आप उसे नोट निकाल के तो फट पकड़ के ले गए दुकान पे भाग जाएंगे। सच्ची बता रहा हूँ मैं, वो गया था वहाँ पे, कह रहा है पैर पकड़ लिए, हम तो डर गए काटेगा, हमने कहा भी चलो खाने का सामान दे, नहीं लिया, फिर नोट दिया किसी दुकानदार ने, कहा भाई साहब इसे नोट दे दो, उसने नोट निकाल के दिए और ले गए नोट लेके सीधा दुकान वाले के पास गया। देखो हैं, वृंदावन में भी ऐसी है। अच्छा अच्छा जी, अब देखो इवॉल्व हो गए, उन्हें चश्मा पसंद आ गया। नहीं यहाँ तो मैटर दूसरा हो गया, यहाँ तो वो नोटों की कीमत समझने लगे। भाई सामान तो समझ में आता है, यहाँ तो नोट उन्हें चाहिए, पर उसने कहा फ्रेंड ने कि हाँ उन्हें ये नहीं पता कि नोट कितने डिनोमिनेशन का चाहिए, आप 10 का भी दे सकते हो और 2000 का भी दे सकते हो, उनमें उन्हें डिफरेंस नहीं पता, लेकिन उन्हें नोट पता है। और उन्होंने कागज भी दे के देखा, कागज ले जाए, कागज नहीं लिया, नोट ही चाहिए उसको। तो सोचो कि ह्यूमन के साथ रहते रहते उन्होंने क्या सीख लिया, और ह्यूमन क्या करता है, नहीं फलाने कह दिया था, वहीं अटका पड़ा है। कितनी मुसीबत है, जबकि सब, जबकि अवेयरनेस लेवल ह्यूमन का कितना हाई है, लेकिन वो कहाँ अटक गया, फिक्सेशन में चला गया, किसी ने कहा, कहीं पढ़ा, किसी से सुना, वहीं उसने अपनी यात्रा ब्लॉक कर दी कि बस मैं ऐसा ही हूँ। लिंडा गुडमैन की किताबें पढ़ी, जोडियक साइन पढ़े, मैच करी अपनी, और एक प्रिडिक्शन दे दी, भैया मैं तो ऐसा हूँ। हमने अपने आप को असेसमेंट किया, किस आधार पे, लिंडा गुडमैन ने ये कहा, सन साइन के आधार पे। तो भाई ये गड़बड़ होती है कि हमने किसी की बात को अपने उसमें जगह दे दी, और उसके बाद और इससे बात नहीं बनी, चलो भाई न्यूमरोलॉजी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब न्यूमरोलॉजी में निकाल रहे हैं, अच्छा मूलांक क्या हुआ, सब जोड़ जाड़ के, जन्म 26 तारीख है, फिर महीना ये है, फिर उसके बाद सन ये है, उसको जोड़ो, अच्छा अब ये 5 निकला, 5 का कौन सा प्लेनेट हुआ, अच्छा ये, अब इस प्लेनेट पे ये प्रिडिक्शन होती है और मैं ऐसा हूँ। मैं खुद से ही डिसाइड कर लिया किस आधार पे, वो किसी ने पढ़ा था, किसी ने लिख दिया, वो ठीक है, वो एक फ़न के लिए तो अच्छा है, पर आपने उसे अगर सच मान लिया, और बहुत से महान कलाकार तो ऐसे हैं, रोज अखबार देखेंगे उसमें जो लिखा होता है 2 लाइन का, आज का राशिफल, भाई साहब ऐसी हालत है, ऐसे जो ड्रग भी क्या नशा देती होगी, जो 2 लाइन की प्रिडिक्शन देती है नशा, और उसके आधार पे वो वाला दिन डिसाइड कर लेते हैं, आज तो भाई यही होना है। तो बताओ अपनी इवोल्यूशन को खुद ही रोक के बैठा है मनुष्य, किस आधार पे, किसी ने कुछ लिख दिया और आप अटक के बैठ गए। जितनी प्रोबेबिलिटीज इस पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन की है, उतनी ही प्रोबेबिलिटीज एक ह्यूमन के अंदर छुपी हुई हैं। जितने चेंजेस ब्रह्मांड में आते हैं, उतने ही चेंजेस ह्यूमन के अंदर आते हैं, डू यू नो। तभी नानक जी ने क्या कहा था, जे ब्रह्मंडे ए ही पिंडे, ये जो पिंड है मानव देह, ये वही है जो ब्रह्मांड है। तो आप इतने सारी जो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, इसकी स्टडी कौन कर सकता है, है कोई दुनिया में इतना बड़ा महान ज्ञाता जो इसकी स्टडी करके कोई प्रेडिक्शन कर सके। और ये जो कॉम्बिनेशन परमुटेशन है, हर चीज़ को बदल सकते हैं, हर चीज़ को इसके परिणाम बदल सकते हैं। उनके इतने सारे कॉम्बिनेशन तैयार हो जाते हैं कि कोई मनुष्य धरती पे है ही नहीं जो इसकी प्रिडिक्शन कर सके। और सच बात यह है, प्रिडिक्शंस की ज़रूरत है ही नहीं दुनिया में, नीड ही नहीं है प्रिडिक्शंस की, क्या ज़रूरत है हमें प्रिडिक्शंस की, बताओ। अब ये बताओ, जो अन्य प्राणी हैं बिना प्रिडिक्शंस के जीवन जीते हैं, वो कोई प्रिडिक्शंस का आधार लेते हैं लेकिन मनुष्य से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, देखा है आपने, भूखे पैसे भी हैं तब भी वो खुश रहेंगे, आज खाना नहीं मिला कोई बात नहीं, बट दे आर हैप्पी।
ह्यूमन के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी दुखी रहेगा, मुंह लटका के, क्या हुआ भैया? अरे बस ग्रह ठीक नहीं चल रहे। पूछो क्या हुआ भाई, कौन सा ग्रह खराब हो गया? अजी वो पंडित जी के पास गया था, कह रहा है जी 7:30 ही चल रही है, अब तो भाई कुछ हो नहीं सकता इतने साल तक। तो मैं मुस्कुराता हूँ, भाई क्यों नहीं हो सकता? नहीं वो तो महादशा चल रही है, इसमें क्या होने वाला है? मैंने कहा मूर्खानंद, जिसने ग्रह बनाए उससे जुड़ जा, सब कुछ हो जाएगा। भाई जिसने ग्रह बनाए और तुमको लगता है ग्रह ठीक नहीं चल रहे, जिसने बनाए हैं उससे जुड़ जाओगे तो फिर ग्रह क्या करेंगे, आपको पुरस्कार ही देंगे, सजा थोड़ी देने वाले हैं। कुछ लोग फिर इसके लिए स्टोन्स पहन लेते हैं, ग्रह को ठीक करने के लिए स्टोन्स पहनते हैं कि भई हमने स्टोन पहना हमारा जीवन बदल गया, बदल जाएगा करके, स्टोन के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं। अगर ऐसा होता दीदी, मेरा मानना यह है कि स्टोन चिपक के आते पैदा होते ही, जब पैदा होते ना यहाँ स्टोन चिपके होते, अगर वो उपयोगी होते तो वो स्टोन्स को अलग क्यों लगाया उन्होंने, चिपका के खाल के नीचे लगे होते, ये वाला स्टोन इसके लिए, ये वाला स्टोन इसके लिए। स्टोन पहन कर किसका जीवन बदला, किसने कहा बदला जीवन? लोग मानते हैं है? बिजनेस है, प्योर बिजनेस है। देखिए दीदी, अब मैं बताऊंगा इस बारे में, स्टोन्स पहनते हैं ठीक है, बहुत मामूली सा क्या असर आता है, उनकी किस्मत नहीं बदल जाती। असर क्या आता है, अगर कोई बहुत ज्ञानी है, कोई ज्ञानी बंदा है, उसने देखा कि इसके अंदर जो चक्र है वो चक्र थोड़ा कमज़ोर है, उस चक्र से संबंधित एक स्टोन, और अब पहचान कैसे होगी, चक्र का कलर और स्टोन का कलर, उसके मुताबिक आप पहना दो उसको और उस चक्र की उंगलियां पहना दो, तो जो चक्र की डेफिशिएंसी है एनर्जी की, वो जो कॉस्मिक एनर्जी आ रही है वो उस पत्थर से पास होकर आपकी उस फिंगर को टच करेगी, और उसका फिंगर को जब टच करेगी तो चक्र पे एनर्जी पहुंचेगी और थोड़ा सा बहुत चक्र ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत मामूली सा है अंतर इसमें। लेकिन लोग पहनते किस लिए हैं, वो चक्र ठीक करने के लिए नहीं पहनते, पंडित जी धंधा ठीक नहीं चल रहा, एक अच्छा एक काम करो जी नीलम पहन लो आप। मैं कहाँ से लूँ जी, कितने का, इतने रत्ती का नीलम ले लो और आप रात को उस नीलम को लेकर तकिए के नीचे रखना, अगर आपको डरावने सपने आए तो मत पहनना, वो आपके मतलब का नहीं है। यानी कि जो नीलम बता रहा है वो भी श्योर नहीं है कि नीलम बता तो रहा हूँ पर सूट करेगा या नहीं करेगा, वो भी नए नए डॉक्टर की तरह ऐसी दवाई दे रहा है, R&D कर रहा है आपके ऊपर, आपके स्वास्थ्य पे R&D कर रहा है नई दवाई की, कि भाई कह नहीं सकता, खा के देख ले, आराम मिल जाए तो और बता दूंगा कुछ और। तो नीलम को उसने रखा, पंडित जी कुछ नहीं, सपना नहीं आया, पंडित जी ने कहा एक काम कर, इसको सोने में लगा कर पहन ले अपनी इस उंगली में, तेरा कल्याण हो जाएगा। अब जिससे नीलम लाया है पहले तो वो फ्री ले गया, उसने कहा दुकानदार भी सेटिंग है दुकानदारों की, भाई साहब ले जाओ सूट करे तो बताना। अब उसने आके बताया जी सपने तो बढ़िया आए, अब वो समझ गया दुकानदार, और वो पंडित जी ने पहले बता ही दिया था कि भाई वहाँ से जाके लेना, उसके पास असली माल मिलता है। पंडित जी इधर फ़ोन पर बात कर ही चुके हैं, भैया वो आएगा तो देख लेना ज़रा, अब
वो उन्होंने कहा भी माली हालत बहुत अच्छी है, अब नीलम की कोई कीमत नहीं है। इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको मैं। अब वो आपने जैसे ही कहा भाई सूट कर गया, अब वो आपसे 1,00,000 रुपए का भी ले सकता है नीलम, कोई गारंटी नहीं इस चांस की। और वो देखेगा मरा सा आदमी है, चल भाई 5,000 दे जा। वो आपकी हैसियत के हिसाब से नीलम की कीमत लगती है। तो अब आपने पहन के आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट आया, अब मैंने नीलम पहन लिया है अब सब बढ़िया हो जाएगा। जो पहले बढ़िया इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि आपके निगेटिव थॉट हो गए थे, और अब जो करना ही नहीं चाह रहे थे पहले तो कुछ, और कर भी रहे थे तो बिल्कुल निगेटिव सोच के साथ कर रहे थे। अब आपके अंदर एक चेंज आ गया, नहीं मैंने नीलम पहन लिया और वो मुझे सूट कर गया है, तो एक पॉजिटिव थॉट आपके अंदर तैयार हो गया। थोड़ा बहुत आपकी एनर्जी उस नीलम के थ्रू आपकी शरीर में गई है, चक्र को थोड़ा सा लाभ हो गया है, और जिसके कारण थोड़ा सा आपके अंदर मलिनता आ रही थी, मन खराब हो रहा था, वो थोड़ा सा बेटर लगने लगा आपको। इससे ज़्यादा का रोल नहीं है, लेकिन असली है धंधा, क्योंकि आपको उसने बता दिया जी नीलम सूट कर जाएगा, आप सब अच्छा हो जाएगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए एक मेरे जैसा इंसान है जो किसी भी कठिनाई में किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मान लो गया ही नहीं, ना मेरे को इंटरेस्ट है इसमें, तो क्या होगा, क्या मेरा जीवन ठीक नहीं चलेगा? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मेरा जीवन भी परिवर्तित होना है, क्योंकि हमारे जीवन में ECG की ग्राफ की तरह परिवर्तन आते रहते हैं। उसकी देखा है वो, उसकी लकीरें कभी ऊंची होती है कभी नीचे होती हैं ऐसे करके, और हर एक टाइम होता है हर चीज़ का, नकारात्मक टाइम का भी एक समय है और सकारात्मक टाइम का भी एक समय काल है। कुछ समय बाद वो निकल जाता है, परिवर्तन स्वाभाविक रूप से आ जाता है। पर एक है अच्छे पैसे वाला है और उसे जो नकारात्मक समय है उसे अच्छा नहीं लग रहा, और उसने कहा भी मेरे पे तो पैसा है, मैं इसका हल निकालूंगा नकारात्मक समय का, तो जो अहंकार है वो उसको पंडित जी के पास ले आता है। पंडित जी उसे बता देते हैं, उन्होंने कहा भाई 2,00,000 रुपए खर्च करके वो रिंग धारण कर लेता है। अब पंडित जी ने कहा है जी असर धीरे धीरे होगा, पंडित जी भी बड़े तेज हैं, ये नहीं कि पहनते ही अगले दिन 10,00,000 रुपए का नुकसान फायदा हो जाएगा। क्या देखो जी अब ग्रह सुधरने शुरू होंगे, अब उसके अंदर एक आ गया भाई ठीक है सुधार का शुरुआत हो गई है, और वो टाइम वही होता है जहाँ से सुधरने का टाइम शुरू होना था तब तक वो टाइम उसने अंगूठी पहन के खुश होकर निकाल दिया। अब वो टाइम अपने आप से सुधर गया, समय आया टाइम का भी सुधार होना शुरू हो गया, तो अब उसने खुश हो गया, पंडित जी ने मुझे नीलम बताया था बड़ा फायदा हो गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बार फिर खराब समय आया, अब नीलम तब भी उसने पहन रखा है, और फिर पंडित जी के पास भागा भाग गया, पंडित जी ये क्या हो गया, तब तो अच्छा चला, उसने अंगूठी उतार के दिखाओ, देखो जी आ नहीं था, बोले क्या हुआ, ये देखो क्रैक आ गया इसमें। मैं पंडित जी अब क्या करूँ, एक और नीलम पहन लो, और फिर 1,00,000 का नीलम खरीद लाया। तो ये है गेम असली। आप समझिए कि आपके शरीर क्या 12 महीने स्वस्थ रहता है, कोई भी एक मनुष्य मेरे को बता दे 12 मंथ हर रोज कोई स्वस्थ रह पाया आज तक, कोई हमेशा बीमार रह पाया, यानी कि दोनों चीज़ें सत्य नहीं है। एक सर्टेन काल तक बीमार रहेगा, एक सर्टेन काल तक ठीक होगा, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ आवर लाइफ। इसी प्रकार से सकारात्मक काल और नकारात्मक काल दोनों फिक्स हैं। तो ये जो सारी लटके झटके हैं ना, ये वो नकारात्मक समय को भुलाने के जुगाड़ हैं। ना तो समय बदल सकता, ना बदला है कभी किसी का, बस उस खुशी खुशी में वो थोड़ा आप ध्यान कम देने लगते हो नकारात्मक समय पे, आप एक हौसला आ जाता है कि अरे बस अब तो मैंने नीलम पहन लिया ठीक हो जाएगा। इसका एक उदाहरण देता हूँ, हम लोग कैंप में जाते रहते थे, एक एक 1.5-1.5 महीने पहाड़ों पे रहते थे, तो हमारे में मेडिकल किट भी होती थी। जनरली जो ट्रैकर्स आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत है उसके लिए थोड़ा मेडिसिन वगैरह, तो अब उन्हें गांव के लोग जो होते थे पास में, गांव वाले को पता होता था इनके पास दवाई रहती है, अब वो आ जाते थे मेरे पास, आते थे कई बार, साहब वो बीमार हैं हुए हैं। मैं क्या हो गया, मैं कब से बीमार हो जी, ये 2 महीने से बीमार हूँ। मैंने कहा भाई नीचे नहीं गए किसी हॉस्पिटल में, नहीं साहब जा नहीं पा रहे, आप दवाई दे दो, उन्हें विश्वास है कि दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे।
अब मेरे जैसा इंसान ना तो डॉक्टर, तो मैंने कहा भाई कोई पंगा तो ले नहीं सकता, ऐसी कोई दवाई तो मैंने ली भी नहीं, हम रखते भी नहीं थे ऐसी स्पेशल दवाई, जनरल मेडिसिन रखते थे। मैंने कहा भाई ये वाली चीज़ नहीं देता, मैं उन्हें मल्टीविटामिन की गोली देता था। फिर आते दो दिन बाद साहब ठीक हो गए, अब दवाई ने उन्हें थोड़ी ठीक किया, आ रही है बात, दवाई ने थोड़ी ठीक किया उन्हें, उनके विश्वास ने ठीक किया। साइकोलॉजिकल आपको एक विश्वास होगा, अब क्या हुआ, एक खासियत है आपके विश्वास की, आप अच्छे विश्वास के साथ अगर जीने लगते हो तो हमारे ब्रेन के पास एक क्षमता होती है, ब्रेन जो है पॉजिटिव केमिकल सीक्रेट करता है व्हेन यू आर पॉजिटिव, जब आप सकारात्मक होते हो तो ब्रेन पॉजिटिव केमिकल रिलीज करता है, गुड केमिकल्स जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, अच्छे हार्मोन्स, वो क्या करते हैं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं, और इम्यूनिटी बढ़ने से क्या होता है हमारे छोटे मोटे रोग अंदर चल रहे होते हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं। तो उन मल्टी विटामिन की गोली ने उनकी साइकोलॉजी पे काम किया, उन्हें विश्वास हो गया, हमने दवाई ले ली और उनकी जो इम्यूनिटी बढ़ी उस इम्यूनिटी ने उनके बुखार को ठीक कर दिया। इसी प्रकार से यही स्थिति वो नगों की होती है दीदी, नगबग पहन लिए आपको लग गया भैया मेरा काम सही हो जाएगा, बस आप पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव केमिकल रिलीज होने लगे, जब आपका मूड भी पॉजिटिव हुआ, किसी कस्टमर से या किसी क्लाइंट से बात करोगे, अच्छी बात करोगे, उसका रेस्पॉन्स भी अच्छा आएगा, तो चीज़ें ठीक होने लगेंगी। पॉइंट समझ रहे हो, किसी चीज़ के पहनने से किसी चीज़ के रखने से कोई परिवर्तन समय होना बहुत मुश्किल है। हाँ साइकोलॉजिकल आपको हेल्प मिल सकती है हर लेवल पे, और थोड़ी बहुत एनर्जी के लेवल में मिलती है, क्योंकि जिस चक्र की जो डेफिशिएंसी है उस कलर का आपने स्टोन पहना है, वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है स्टोन, मनुष्य ने बनाया नहीं है उसको, कुदरत ने दिया है, उसके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो पॉजिटिव एनर्जी को अपने भीतर धारण कर सकता है, और आप उसे अगर अपनी बॉडी से टच कराओगे तो वो उसको भी सप्लाई करेगा, ये खासियत होती है। आपने देखा होगा जितने भी नग वाली अंगूठी होती हैं वो नीचे से कवर नहीं होती, नीचे से खाली होती हैं, वो नग टच करे आपकी उंगली को फिंगर को, इसके पीछे साइंस है, प्योर साइंस, चक्रास को ठीक करने के लिए, और चक्रास आपकी मनोस्थिति को ठीक कर सकते हैं, ये है चीज़। लेकिन चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में, इस भ्रम में पड़ना बिल्कुल बेकार है। गुस्से के लिए लोग अक्सर एंगर के लिए वाइट स्टोन पहनते हैं, पर्ल पहनते हैं कि मुझे हमने पहना है, तो हाँ हाँ पूछो कि क्या क्या हुआ है, आपने जो पहना है मेरे को पहनवाया गया था, हाँ तो उन्होंने क्या आया चेंज, मैं गुस्से का एक्सपर्ट था कितने प्रकार का गुस्सा, कितना इंटेंस गुस्सा हो मैं वही था, तो मेरे को घर वालों ने कहा भैया इसे क्या करो, ये तो बड़ा खतरनाक सा है, ज्वालामुखी जैसा है, तो कभी भी फट पड़ता है ज्वालामुखी की तरह। तो उन्होंने किसी पंडित जी से पूछ पाछ के एक पर्ल ला दिया, सच्चा मोती मेरी उंगली में डाल के रखा, तो पर उसने काम नहीं करा वो बेचारा मोती काम नहीं कर पाया, बस मैंने घर के लोगों के खुश करने के लिए पहन लिया था, मेरा गुस्सा कोई कम नहीं हुआ उससे, क्रोध कम हुआ शिमाते के चरणों में आने के बाद और क्रोध कब कम होता है, क्रोध कोई जादू नहीं होता है, व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एस्पेक्ट्स ओनली देन यू बिकम साइलेंट, आप दूसरे को समझने लगते हो तब आपका गुस्सा खत्म होता है, अन्ना गुस्सा खत्म करने वाली दवाई दुनिया में नहीं बनी कोई, और बेहोश तो कर सकती है आपको। अब जिस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है और आपकी अवेयरनेस डेवलप हुई, आपने उस चीज़ को समझा, अरे यार ये इसके साथ दिक्कत है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप क्योंकि समझ गए कि भाई ये इस वाली चीज़ से पीड़ित है। अब जैसे ड्रग एडिक्ट है वो चोरी करता है, जितने भी ड्रग एडिक्ट होंगे घर में आप देखेंगे वो चोरी करेंगे जरूर 100%, बच्चे हो या बड़े हो वो चोरी करेंगे, और वो ड्रग खरीदने के लिए चोरी करेंगे क्योंकि उनकी उनसे रहा नहीं जाता, और उसका पिता है वो देखता है ये ड्रग लेता है उसे रोज़ कूटता है पीट पीट के आधा तो अधमरा उन्होंने कर दिया और आधा ड्रग ने कर दिया,
सॉल्यूशन कोई निकल नहीं रहा। ठीक है, अब पिताजी को एक दिन सीमाता जी की कृपा हुई तो सीमाता जी को पिताजी ने अपने चरणों में ले लिया। अब धीरे धीरे चरणों में लगे 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 तो धीरे धीरे वो उन्हें समझ में आने लगा, यार ये तो बेचारा मजबूर है, खून में ड्रग घुसी हुई है, जब वो मांगती है तो उसे ड्रग को लेने के लिए पैसे चाहिए, पैसे नहीं होते तो चोरी कर लेता है, सामान बेच देता है घर का। अब पिताजी का एटीट्यूड बदल गया उसके प्रति, जो पहले कूटते थे उसको अब प्यार से उसको हैंडल करने लगे, और ज़्यादा प्यार बढ़ा दिया कि भाई इसको ना जितना नशे से मिलता है उससे ज़्यादा हम प्यार दें तो नशे की जो नशे का जो है इन्फ्लुएंस वो घटेगा, क्योंकि ड्रग्स क्यों ले रहा है वो, कोई डेफिशिएंसी उसके अंदर है, कोई कमी है साइकोलॉजिकली, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है, उसको ढकने के लिए वो ड्रग्स लेता है या कोई भी नशा करता है। तो इसकी जगह क्या करा हम, उसको प्यार बढ़ा देते हैं, धीरे धीरे उतना प्यार देना शुरू करें, इतना प्यार देना शुरू करें, धीरे धीरे उसे लगने लगे ड्रग लेने की क्या ज़रूरत है मुझे, उससे ही उसकी पूर्ति होने लगी। तो अब पिताजी को ये ध्यान में जाने के बाद समझ में आया, उनके अंदर के सेंटर खुले, एनर्जी सेंटर खुले, ज्ञान के सेंटर खुले, तो उन्हें ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि भाई पीटना पाटने से कोई फ़ायदा नहीं। अब उनको गुस्सा भी ख़त्म हो गया पिताजी का। तो ये परिवर्तन आता है जागृति मिलने के बाद में। तो गुस्सा ऐसे नहीं कि मोती पहनने से गुस्सा ठीक हो जाएगा, मेरा भी नहीं हुआ था, तो प्रत्यक्ष उदाहरण, मैं तो कई साल पहनी ये छोटी वाली हार्ट वाली उंगली में पहना रखी थी, मैं भी घर वालों को लिए खुश करने के लिए पहने रहता, मैं चलो इनका मुझे क्या जा रहा है, मेरा इंटरेस्ट तो कभी रहा नहीं इसमें, ना मैंने कभी कुछ पहना, ना चेन पहनी, कुछ नहीं, क्योंकि मेरा मानना था जो प्रकृति ने दिया है वो काफ़ी दिया है, हम अपने ऊपर धारण करने की और ज़रूरत नहीं है। ये हम एक प्रकार से अपनी एफिशिएंसी को घटा रहे हैं ये सब पहन के, क्योंकि जितना हम प्रोन होंगे, जितना हम उसमें फंसेंगे, उतना हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। हमें आर्टिफिशियल एड नहीं लेनी चाहिए, अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। अब जितने लटके झटके के चक्कर में हमारे सहज ही नहीं फंसे, भाई क्या हुआ, मटका रख लो, अच्छा स्यूमिटिंग कर लो, स्ट्रिंग नॉटिंग कर लो, क्यों, वो समय जो अपने अंदर घुसकर बिताना था वो सारा समय हमने इनमें बर्बाद कर दिया। हम ट्रिक में आ गए, हमें ट्रिक इस्तेमाल करनी है क्योंकि ये सॉल्यूशन निकालने हैं, लेकिन सॉल्यूशन इससे निकलेगा नहीं, जिंदगी का सॉल्यूशन निकलेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग से। इफ़ यू अंडरस्टैंड योर लाइफ ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड, ओनली देन यू कैन मेक योर लाइफ बेटर, अंडरस्टैंडिंग के बाद ही समझ में आएगी। उसकी जगह हम ये ट्रिक अपना रहे हैं, गांठ बांध लो, पेपर बर्निंग कर लो। सीमाता ही ने क्यों बताया, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उस काल में ह्यूमन अवेयरनेस बहुत लोअर लेवल पे थी, तो इसलिए उन्होंने टेक्निक बता दी। और उस काल में मनुष्य बहुत भयंकर कर्मकांडी थे, कर्मकांडी समाज के अंदर पूरा छाया हुआ था। और मुझे लगा होगा, मुझे लगता है शायद सीमाता ही ने कहा, अगर मैं ध्यान की इनसे बात करूंगी तो कोई नहीं मानेगा मेरी बात, पहले इन्हें किसी चीज़ में उलझा दो, तू ऐसा कर ले, क्योंकि समाज उसका आदि है कर्मकांड का। आप मंदिरों में जाओ, आपको सारे कर्मकांडी नज़र आएंगे, कहीं भी चले जाओ कुछ ना कुछ कर्मकांड हर जगह मिलेगा आपको, सारे रिलीजन में कोई ना कोई कर्मकांड है, सारे रिलीजन में, केवल एक रिलीजन ऐसा है जिसमें आपको कर्मकांड नज़र नहीं आएगा, वो है सिख धर्म। आप वहाँ जाओगे, बैठोगे, शांति से बैठोगे, कीर्तन, हालांकि बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ज़्यादा खतरनाक हैं, वहाँ पे भी प्रोटोकॉल्स कुछ ज़्यादा ही हर चीज़ की ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप कर्मकांड की बात करोगे तो सिख धर्म में आपको कर्मकांड नहीं मिलेगा। आप जाओ, शांति से बैठो, कीर्तन करो, अपने अंदर उतरो, थोड़ी बहुत चीज़ें हर जगह हैं गड़बड़, लेकिन ऊपर वाली चीज़ें बहुत सारी वहाँ भी हैं, ऐसा नहीं करा, ऐसा करना, लेकिन इसकी अच्छी बात क्या है सिख धर्म की, जो मूल चीज़ है उसमें कर्मकांड नहीं है। मैंने कहा भाई बैठ जाओ वहाँ पे शांति से, अपने अंदर उतरो और बस चुपचाप अपना जिसको भी मानते हो या जिसको भी आप समझते हो उसके साथ जुड़ जाओ। ये वाली चीज़ मैंने महसूस की, क्योंकि मैं गुरुद्वारे 2-4 बार जाना हुआ तो मुझे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है गुरुद्वारे का। अगर मैं कहूँ कोई धार्मिक स्थान कौन सा अच्छा लगता है तो मैं कहूँ गुरुद्वारा अच्छा लगता है मुझको,
क्योंकि वहाँ अचड़म पचड़म वाली चीज़ें हैं नहीं। आई एम सॉरी जो अन्य रिलीजन की बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कर्मकांड हैं, ये इफेंट वर्ड बहुत सारे हैं। है? हाँ, दूसरी चीज़ सिख धर्म की एक बात बहुत अच्छी लगती है, सेवा भाव। सबसे ज़्यादा सेवा भाव आपको इसी रिलीजन में मिलेगा, बाकी सेवा भाव आपको कहीं नज़र नहीं आएगा इतना। क्योंकि आप अगर 2 बजे भी गुरुद्वारे का दरवाज़ा खटखटा दिया ना, भूख लगी है, तो कुछ ना कुछ वो आपको खिलाई देंगे रात को 2 बजे भी उठ के। ये बात मैंने व्यक्तिगत तौर से देखी है। और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, आपको भूखा तो नहीं सोने देंगे, और जो हो सकेगा मानव होने के नाते मदद करना है तो वो भी करेंगे। क्योंकि हाँ हाँ, तो यही मैं बता रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जो कर्मकांड है ना, वो जो कर्मकांड है वो मानव की बहुत बड़ी बाधा है। क्योंकि आपकी चेतना उस कर्मकांड तक सीमित हो गई, बस उसके अलावा आपने ब्रेक लगा दिया, बस मुझे आगे कुछ नहीं करना। ये सबसे ज़्यादा घातक होता है कर्मकांड, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। इट्स ए ऑब्स्टेकल और इट्स ए बैरियर। आप जितने भी मत हैं, जितने भी धर्म हैं, जिन्होंने भी शुरू किए थे, उन्होंने वो सारी चीज़ें 2 चीज़ों के लिए शुरू की थी, जो मुझे रियलाइज़ हुआ। पहली चीज़ तो ये थी कि जो भी प्रोसीजर उस काल के लिए अवेलेबल था, उस प्रोसीजर से आप ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास करो। दूसरा, उस प्रयास में आप जो है मानव धर्म में स्थापित हो सको, ह्यूमन बन सको, मानव इंसान और इंसानियत को समझ सको। जितने भी धर्म हैं बाहर से दिखाई देते हैं वो आपको इंसान बनाते हैं, अच्छा इंसान बनाते हैं, लेकिन जो कर्मकांड है वो सारी जो इंसान बनने की प्रक्रिया है वो सब पे पानी डाल देते हैं, क्योंकि वो सीमित हो गया भाई। और इतनी इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बताई लास्ट में, वो सब सारे लोग मिस कर देते हैं। माँ ने खुद बोला है कि सबसे ईजी है मेरे ऊपर छोड़ना, ये उस वीडियो में जिसमें सबसे ज्यादा टेक्निक्स बताई है माँ, उसी में ही उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर छोड़ोगे वो ईजीएस्ट है, मेरी टेक्निक्स की जरूरत नहीं है। पर इस छोड़ने का भी तो एक कंडीशनिंग बना डाली, निकम्मे हो गए, हम कुछ करेंगे नहीं, माँ आप पे छोड़ दिया। नहीं, मैं बता रहा हूँ वो बात सही है ना, इसमें वो हिडन चीज थी कि भाई अपने अंदर उतरो, लेकिन वो तो की नहीं, माँ पे छोड़ दिया हमने। अब भाई माँ क्या करेंगी, आपका जो काम था वो आपको करना था, माँ का काम आपके करने के बाद शुरू होता है, कि आप अंदर उतरोगे तो माँ आपकी मदद करेंगी। पर हमने कहा वो भी छोड़ दिया हमने, तो नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कह रहा, मैं कि ज्यादातर इसका मतलब मिस इंटरप्रिटेशन किया है, गलत तरीके से इसको किया ना हमने, कि हम कुछ नहीं करेंगे, भाई माँ आप ही करोगे। अब ऐसी कई बार बात हो जाती है, जैसे कि अक्सर कुछ ना कुछ लिखना होता है फेसबुक पे, तो जब कोई बहुत बुरी बुरी घटनाएं होती हैं तो मैं कुछ ना कुछ लिखता हूँ, आपने देखा होगा। तो किसी महान आत्मा ने कहा, अरे आप ऐसा क्यों कहते हो, सब माँ पे छोड़ दो। मैंने कहा फिर हम किस लिए हैं, हम लोग सहजी किस लिए बनाए गए हैं, डमरू बजाने के लिए हैं? कम से कम आप अटेंशन डालो, आप प्रार्थना कर दो, आप उसकी भर्त्सना करो, आप वॉइस रेज करो नकारात्मक चीज़ों के प्रति। बस किस लिए बनाया श्री माता जी ने सहजी, हमें किस लिए बनाया है? तो ये भी एक बड़ी अजीब बात है, माँ पे छोड़ दो। भाई जो काम माँ का है वो माँ करती है, हमारा भी तो कोई काम है ना, हम पुटअप तो करें उस चीज़ को, माँ देख लो संसार में ये सब हो रहा है, ये तो हम पुटअप कर नहीं रहे। अब पुटअप करने के 2-3 तरीके हैं, प्रार्थना करने का है, अटेंशन डालने का है, और आप समझ लीजिए वर्क करने का है एनर्जी के फॉर्म में, आपके सिस्टम से वर्क हो। ये 3 प्रकार के काम हम कर सकते हैं। हम अपने काम छोड़कर हम सीधे कह दें माँ आप कर दो, तो माँ को क्या पड़ी है भाई, भाई ये दुनिया तुम्हारी, यानी कि घर तुम्हारा, अब मैं थोड़ी ऐसे संभालूंगी, मैंने तो तुम्हें दे दिया। फिर वही आ जाते हैं कि दुनिया चलाने में, मदद करने में जागृत लोगों की आवश्यकता है।
तो यहाँ से शुरू हुई थी बात दीदी, नग से, और वहां से नग भी एक कर्मकांड है। आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, आप भगवान की शक्ति पे विश्वास नहीं कर रहे, आप एक नग पे विश्वास कर रहे हो। देखिए इतनी बड़ी चीज आपके अंदर है, उसको छोड़कर आप एक नग पे आ गए कि नग ठीक कर देगा मुझे, तो एक कर्मकांड बन गया, नहीं बन गया। बहुत से मैंने महान लोग देखे, पांचों उंगलियों में होती हैं, अलग 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 अलग। सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं, सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं, पांच ये लगे और जिसके पास जितना पैसा होती है वो। हाँ, गुस्सा क्यों करते हैं? वो गुस्सा आ रहा है उनके अहंकार से, देखा दसों की दसों उंगलियां भरी हुई है मैंने, इतना अमीर हूं मैं। ऐसे ही एक बहुत सारी चीजें पहने हुआ था, एक टकरा गया केदारनाथ में मेरे से, 2002 की बात। केदारनाथ में जितनी पहले, जितने आपने अभी फोटो में देखा ना, ढेर सारी बिल्डिंग ही बिल्डिंग, बिल्डिंग ही बिल्डिंग, पहले इतनी बनी हुई नहीं थी, थोड़ी बहुत थी। वो तो अच्छा हुआ कि भोलेनाथ जी को गुस्सा आया, बहुत सारी चीज़ें तो उन्होंने बाद ही फालतू की। तो उसमें क्या था कि एक आया बंदा, एक मोटा हट्टे कट्टे जैसा, बोरे जैसा, गले में इतनी मोटी मोटी माला, मोटे मोटे रुद्राक्ष, सारी उंगलियों में अंगूठियाँ, पता नहीं माथे पे भी कुछ, और ये तो आके बैठ गया। मैं आराम से बैठा हुआ, ध्यान में बैठा हुआ था। अब उसे लगा भी मैं तो स्पेशल हूँ, तो पहले तो उसने मेरा ध्यान डिस्टर्ब किया, खटर पटर। मैं देखा आँख खोल के, मैं कौन आ गया ये, तो देखा वो बिल्कुल सजा धजा दुनिया भर का चीज़। फिर मैंने मेरे से कहने लगा, क्या कर रहे हो, इससे क्या होगा? तो मैंने उस मुस्कुरा के कहा, इससे भी क्या होगा। जो उसने कहा ना, इससे क्या होगा, तो मैंने कहा, मैंने उसको ऐसे इशारा करा, ऐसे वो समझ गया, तो इससे भी क्या होगा, कोई नहीं पता, ये वो है वो है वो है। तो मैंने कहा, भाई एक बार बता, मेरे शरीर पर कुछ है? बोले कुछ नहीं है। मैंने कहा, मैं आराम से शांति से ध्यान में बैठा हूँ, और तेरे शरीर पर इतना कुछ है तो तेरा ध्यान नहीं लग रहा, तेरा ध्यान मेरे ऊपर है। तो बेचारे की आवाज नहीं निकली। देखा भाई, यानी कि कमजोर कौन है, मैं कि तू? बोले तुम मुझे जानते नहीं हो। मैंने कहा, इतना जानता हूँ, तू बहुत कमजोर है। बोले कैसे? मैं इतना बवाल लाद रखा है अपने ऊपर, एक भगवान पे विश्वास नहीं है, तूने दुनिया जान की चीजें पहन रखी हैं अपने ऊपर, तो इसका मतलब तू कमजोर आदमी है, डरपोक है। और देख मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मुझे तो कोई डर नहीं है, मैं तो ऐसी शांति से बैठा हुआ हूँ। तो बेचारे के मुँह से आवाज नहीं निकली, सक पका गया, क्या बोलूँ। मैंने कहा, देख बात सुन, तेरा है भाई धंधा, तू ये सब पहना के, यहाँ जो बैठे हैं ना अध कचरे लोग, वो तेरे चारों तरफ भीड़ लगा के बैठ जाते हैं, बाबा कुछ कर दो, अब तू कह देगा ये पहन ले, किसी को ये पहन ले, उसकी कीमत लेता है। ऐसा सड़ गया वो अंदर से। मैं, तू है दुकानदार, वो दुकान वाले फिर भी भले हैं, वहाँ दुकान लगा के बैठे हैं, तू शरीर पे दुकान लगा के घूम रहा है, और जो तूने पहना है, तू है एजेंट उनका, तू जो पहना हुआ चीज़ है ना, वो सारी चीज़ें तू वहाँ से दिलवाएगा अपने दुकानदारों से, जो फंसेंगे तेरे चक्कर में। वो बेचारा थोड़ी देर में जो है परेशान होकर भग गया। ऐसा दिखा रहा था अपने आप को। अच्छा, एक और टकराया वहाँ पे महाराज, सुबह सुबह का टाइम था, मजा आ रहा था सुबह बाहर मेडिटेशन में, अंदर तो मैं जाता नहीं था मंदिर के अंदर, सुबह सुबह तो आँख खुली तो देखा एक भभूत लगाए हुए, भभूति वाला बाबा, ऊपर से नीचे तक भभूति पे लगा रखी, बड़ा उससे कह रहा, ठीक है आवाज़ तो आ रही है मेरी वहाँ तक, आप लोगों के लिए जोर नहीं लग रहा, आप लोगों के लिए छोड़ा माइक। हाँ, तो उसने भभूति लगा रखी ऊपर से नीचे तक, लाल लाल आंखें दिखाई दे रही, सारे ही ग्रे हो रखा था, जो आंखें थी तो अंदर से लाल लाल हिस्से दिख रहे थे। तो ऐसा कर दिखा के देख रहा है, तुम्हें पता है हम क्या करते हैं? मैं कहा, बता दो महाराज क्या करते हो? हम ऐसे रहते हैं, हम सर्दी हो या गर्मी हो हम ऐसे रहते हैं, बर्फ में भी हम ऐसे ही रहते हैं, हम भोले के भक्त हैं। अच्छा, मैंने कहा, अच्छा तुम ऐसे करते हो, बर्फ में रहते हो, सब कुछ करते हो, तो ये बताओ तुमने ये सब करके मिला क्या तुमको?
मुझे ये बता दो बस, हमें नहीं पता हमें ये सिद्धियाँ विद्धियाँ विद्धियाँ। अच्छा मैं कहूँ जो सिद्धियाँ तुम्हारे पास उससे समाज का क्या भला किया तुमने? नहीं नहीं वो हम ये पाते हैं वो पाते हैं। मैंने कहा जो तुमने पाया मैं तुम्हारी सारी बात मान रहा हूँ, तुमने अपने लिए पाया, किसका कल्याण किया तुमने, किसी की मदद करी, किसी को जागृति देने में हेल्प करी किसी की, वो हमारा नियम है हम किसी को नहीं बताते। तो मैंने कहा भाई फ़ायदा क्या है इस चीज़ से, जो आप भगवान से पा रहे हो और आप किसी को दे नहीं रहे हो तो बेनिफिट क्या है इस चीज़ का, वो जवाब दे दे मेरे को भाई। बल्कि तुम ऐसी फनफनाते हुए घूमते हो हम भभूति वाले बाबा हैं और दूसरों को अकड़ दिखाते हो, यही पाया तुमने, अपना अहंकार दिखा रहे हो हम ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, उसके ऐसा हो गया जैसे खून निकल गया वो बॉडी है सारा, उसके जवाब नहीं दिया। वहीं की बात बता रहा हूँ केदारनाथ की, वही तुम जो कर रहे हो ये नौटंकी कर रहे हो, पब्लिक के सामने क्यों कर रहे हो, पब्लिक से हट के नौटंकी करके दिखाओ तो मैं मानूं तुम सही हो। तुम जो करते हो इतने मजमे के बीच में करते हो ताकि लोग प्रभावित हों और आपको दान दक्षिणा दे जाएं, तो सारी नौटंकियाँ मंदिरों को बाहर क्यों दिखाई देती हैं? और जो सच्चे लोग होते हैं वो तो आसपास भी नहीं भटकते, वो तो कहीं साधना में लगे होंगे उधर, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? आवाज़ नहीं निकली उनकी, चिढ़ गए बहुत बुरी तरीके से। तो ये सारी ड्रामे लोग प्रभावित हो जाते हैं, नहीं 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 इसको ऐसे नहीं करते, क्योंकि क्या नहीं करते भाई, हम तो इससे कुछ नहीं कह रहे थे, यही हमसे पंगे ले रहा, हम तो शांति से ध्यान में बैठे थे। हाँ मैं कहा उनके कहने से ही अलग हो जाएंगे वो, पहले से अलग निरंजन नहीं है वो। तो ये सारी चीजें दीदी ये यही चीजें बेचने के लिए हैं, जो फंस गया वहीं से बड़े बड़े फंस के आते हैं, बाबा बता दो बड़ी दिक्कत चल रही है, अच्छा भाई ये कर ले, वो दुकानदार सारे सेट हैं उनके, कहते हैं वहाँ चला जाओ वहाँ से ले ले। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो ग्राहक ढूंढते हैं कि आ जाओ, उन्हें पता है हम जैसे लोग तो बहुत कम होंगे जो मज़े से गए हैं वहाँ पे, बाकी तो किस्मत के मारे लोग पहुँचते हैं वहाँ पे, बाबा संतान नहीं है, बाबा धंधा नहीं चल रहा, कटोरा लेके पहुँचे होते हैं और वहीं पर ये चालबाज चलाक लोग बैठे हैं, मुर्गा आया है मंदिर में चलो फंसाओ उसको, और फिर वो वहाँ पुरोहित भी बैठे हैं, पूजा का रेट है अलग अलग, आपकी औकात जैसी है वैसी पूजा है, उतने ही पैसे की पूजा होगी, ये कहानी है खराब सब जगह। तो ये सारा कहने का मतलब क्या है, जितनी ये बाहर की चीज़ें हैं ये सारा भ्रम पैदा करती हैं, आपको आपकी ग्रोथ को रोक देती हैं। बिल्कुल एक वो कभी बस में देखो एक बाबा उन अजगर को लेके घूम रहा होगा गर्दन में सामने का कैसे करते हैं, हाँ ऐसे बोला भोले, मैंने कहा ये भोले हैं, अजगर को भोले बता दिया तुमने, अब पैसे दो इसका मतलब, आपको नहीं पता ये है, और मैं कहा जा निकल ले मैं तेरा अजगर भी और तुझे भी बाहर निकाल दूंगा मैं इसके बस से, ऐसे मेरे से पास में बैठे हुए दोस्त ने दे 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 नाराज हो जाएंगे, मैं कहा नाराज हो जाएंगे जो धंसने वाले हैं कौन नाराज हो जाएगा, सांप काट लेगा। हाँ तो दीदी ये सारी जो नौटंकियाँ हैं ना, पत्थर पहन लो ये पहन लो वो पहन लो, सब बेकार बातें हैं, मनुष्य को और कमज़ोर बनाती हैं, मनुष्य को और अज्ञानता की तरफ ले जाती हैं, धकेलती हैं अंधेरे कोने में। क्यों ये फैलाया गया चलाक लोगों के द्वारा, ये फैलाई गई चीज़ें क्यों, कि मनुष्य अपने अंदर के सत्य को जान ना ले, बस यहीं तक सीमित रह जाए इन कर्मकांड तक और उनका धंधा चलता रहे, बस सब बातों की सौ एक बात है। अब बुरा मत मानिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ, और YouTube में जो सुन रहे हैं आप भी बुरा मत मानना। अब आप लोग जगह जगह पूजा वगैरह में जाते हो, एक स्टॉल लगा होता है, स्टॉल पे सामान मिल रहा होता है, देखा है आपने कभी? खरीदा भी है, श्री माता जी के फोटो के अतिरिक्त, श्री माता जी के फोटो के अतिरिक्त क्या हुआ, श्री माता जी के फोटो के अतिरिक्त आपने देखा होगा बड़ा सारा सामान होता है, पीतल का एक कुमकुम की डिब्बी होती है,
एक कहते हैं वाइब्रेटेड पानी है, तीसरी चीज होती है वाइब्रेटेड कपूर है, देखा है आपने, वाइब्रेटेड घी है। आप उनसे पूछो ये वाइब्रेटेड कहाँ पे हुआ, नहीं नहीं वो उस जगह हुआ था। क्या अल्टार आपके घर में नहीं है? अल्टार घर में है श्री माता जी का। और उस आप कोई भी पानी ले आओ श्री माता के सामने रख दो, दो घंटे में वो वाइब्रेटेड हो जाएगा। पर वो स्पेशलिटी क्या है उसकी? कोई कहेगा नहीं ये पूजा वाला पानी है, ठीक है भाई पूजा हुई है, एक सामूहिक पूजा हुई है, उसमें जो पानी वानी डाला गया है वो है, ठीक है मान लिया। श्री माता जी कौन है? आदिशक्ति है ना। तो आदिशक्ति से आप जुड़े हो तो सबसे बड़ी सामूहिकता कौन सी है इस ब्रह्मांड की? माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति स्वयं में सबसे बड़ी सामूहिकता है, सबसे बड़ी सामूहिकता। क्यों? क्योंकि उनके साथ सारे मानवों की कुंडली जुड़ी हुई है, क्योंकि कुंडली उनका अंश है और माँ से सारी कुंडलियाँ जुड़ी हुई हैं जो भी जागृत हैं, सोचो ऐसे ही मान लो। तो उनसे बड़ी कोई सामूहिकता है? श्रीमाती से बड़ी सामूहिकता है धरती पे कोई भी? और आपने वहाँ पे माँ के चरणों में वो रख दिया, पानी रख दिया, क्या वो वाइब्रेट नहीं हुआ? ठीक है। अब कुमकुम लाते हैं डिब्बी, क्या बाजार में कुमकुम नहीं मिलता? मिलता है। वो कुमकुम लाकर एक बाउल में रखकर श्री माता के सामने रख दो, दो घंटे में वो भी वाइब्रेटेड हो जाता है। कोई कहेगा भाई ये वहाँ पे ऐसे मिल रहा है, ठीक है, पर मेरा कहने का मतलब है वो स्पेशल नहीं है। आपके घर में भी वही सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ हर चीज़ वाइब्रेट कर सकते हो, लेकिन वहाँ जो धंधा चल गया वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। बताइए है नहीं हानिकारक? आज पीतल का क्या रेट है? वैसे ही पूछता हूँ, आप जाओगे बाजार में पूछोगे पीतल 450 या 500 रुपये किलो मान लो। आपने एक दीपक खरीदा, उसका वेट करके देखो कितने का है दीपक का वेट, सपोज 50 ग्राम है, मिल कितने का रहा है? 500 का दीपक, 500 रुपये का है? नहीं नहीं इतना महंगा थोड़ी है दीपक, एक दीपक है। नहीं नहीं मैं छोटे दीपक की बात कर रहा हूँ, कितने ग्राम का। हाँ, वो दिया है, अगर बड़ा है तो मैं